देखिए सबसे पहले है क्या है, सबसे पहले ये क्या है, कौन सा ये अवतल दर्पण है, ये वस्तु है। जैसे हम कहते हैं वस्तु को अनंत पर रखते थे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते थे, तो उसमें हमने बताया था कि दर्पण में क्या क्या बताया था, एक अनंत होता था, एक वक्रता केंद्र और फोकस, और कुल क्षेत्र इसलिए बनी थी, एक आप वस्तु अनंत पर है ठीक, और दूसरा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा वक्रता केंद्र पर, और चौथा वक्रता केंद्र फोकस के बीच, पांचवा फोकस पर, और छठा फोकस और ध्रुव के बीच। याद नहीं आ रहा जब वस्तु बहुत दूर रखे, मतलब अब हम वस्तु को बहुत दूर रखना ठीक है, ये दूर हो गई ना, अब हमें जब इसका प्रतिम बनाएंगे तो कैसा बनेगा आपका प्रतिम, कैसा बनता है, बड़ा छोटा बनेगा, छोटा उल्टा और वास्तविक। हमने बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि वो उसको हम पर्दे बना सकते हैं, पर्दे मतलब कागज लिए है ना, ये हमारे लिए पर्दे काम करेगा, उसको हम किसे बनाएंगे ठीक है। देखिए आपको दिखाई दे रहा कुछ, जैसे अगर मोमबत्ती नीचे जल रही है ना, मोमबत्ती जी नीचे है कि नहीं आपको, इसका मतलब है कि ये प्रतिबिंब वास्तविक है, वो पन्ना मुड़ा हुआ है ठीक है, ये कैसा को दिखा, वास्तविक प्रतिबिंब है ना। दूसरी चीज ये है कि ये वस्तु देखिए लव कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है ना, और प्रतिबिंब कितना बन के आ रहा है, इसका मतलब ये वस्तु कहाँ रखी गई होगी, अनंत और वक्रता के बीच में, अनंत मतलब बहुत दूर ठीक है। यस सर, जैसे हम वस्तु क्यों क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे करेंगे, इसका मतलब ये प्रतिबिंब की आपकी दिख रहा है ना, जैसे मैं कागज को जो आगे पीछे कर रहा हूँ तो प्रतिबिंब भी आपका कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है ना, यस सर, इसका मतलब इसकी फिक्स डिस्टेंस भी है ठीक है। यस सर, अब क्या होगा कि हम इसको और आगे कर रहे हैं एकदम जहाँ साफ बनेगा वहाँ बताइएगा, बना ये सब बराबर बन रहा, देखिए उतना बड़ा ही बन रहा एकदम ठीक है ना। यस सर, इसका मतलब वस्तु कहाँ रखी, वक्रता केंद्र पर, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा, बड़ा मतलब अब इसके आगे बनेगा। यस सर, कैसा बना रहे हो, बड़ा बन रहा है कि नहीं, यस सर, अब लव इतनी बड़ी है, देखो कितना बड़ा बन रहा है, यस सर ठीक है, यस सर बहुत बड़ा बन रहा है, फोकस अनंत पे बनेगा, अब अनंत भी बनेगा आपको, नो सर, नो सर, हां हां देखो सर ये बोलो, हां देखो आपको पसंद है तो जहां कर देखो, यस यस सर बहुत ज्यादा देखो आपने पहले हाथों के दीवार पे मिल जाएगा, यस सर ठीक है, अब जितना ड्रेस आप बनाने का है, हां ये दे दे ठीक है, मत दिया यहाँ रख दे रहा ठीक है, ये कहाँ जाएगा, इसका देखिए प्रतिबिंब कहीं नहीं बनेगा, ये आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं बना सकते, इसलिए इसको हम लोग केवल आभास करेंगे, आपको इसमें मोमबत्ती दिख रही होगी, किसी मोमबत्ती दिख रही है, यस सर, नो सर, किसी को नहीं दिखाई दे रही, नो सर, किसी को नहीं, नो सर, ध्यान देखिए किसी को दिखाई देगा जरूर,
एकदम हल्का देखो, एकदम हल्का नीचे मोबाइल को सिर्फ यार लाइट लाइट दिखा सर। देखो जब जब प्रतिबिंब इस पर ना पड़े और दर्पण के अंदर पड़े तो आभासी बन जाते हैं। इसका मतलब जिसमें आईने अपना चेहरा देखते हैं ना वो आभासी प्रतिबिंब होता है और आभासी प्रतिबिंब ऐसा सीधा बनता है, इसलिए मोमबत्ती आपको सीधा दिखाई दे रही है। ये कौन सा दर्पण था? अब हम आपको करके दिखा देंगे इसका उत्तल दर्पण का। उत्तल में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनेगा। और इसको आप कहीं पर्दे पर से बना लीजिए, कहीं नहीं कहीं आपको दिखेगा ही नहीं दिखाई दे रहा आपको। नो सर। क्यों? क्योंकि ये आभासी है। आभासी आपको बनेगा सीधा और दर्पण है कौन सा? आपको छोटा दिखाई देगा। सुन रहा क्या ना? यस सर। दोनों दर्पण का समझ आया? यस सर। सबको? यस सर। बताएंगे पिछले पर? अभी आपसे मैं एक कार्ड लूंगा, ठीक है? अब आते हैं लेंस में। लेंस वाला कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? उत्तल लेंस। बहुत पतला भी जम रहा है, छोटा सा हो गया। उल्टा दिख रहा है ना? उल्टा दिखाई दे रहा है ना? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा। उल्टा किसे बनता है? वास्तविक। वास्तविक उल्टा। ठीक है? यस सर। अब देखिए, अब हम वस्तु को और पास में करेंगे तो प्रतिबिंब और बड़ा दिखाई देगा। यस सर। यस सर। ठीक, अब देखिए और पास करेंगे तो और बड़ा दिखाई देगा। बहुत बड़ा दिख रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा? ये अगर इसको हम बहुत पास करेंगे, इसको और पास करेंगे क्या होगा? और बड़ा बनेगा। उसमें सीधा दिखाई देगा, ठीक है? सुन मैं यार, इसमें भी आपकी वही जो शुरुआत में बताया गया था कि जब वस्तु अनंत पर, इसका मतलब बहुत दूर। यस सर। देखिए बहुत दूर, बहुत दूर पे प्रतिबिंब कैसा बनता था? छोटा। मैं सूरज वाला बताया था ना? यस सर। सूरज का प्रतिबिंब कैसा बनता था? छोटा। छोटा सा दूर नहीं बच्चे, उसकी कंडीशन आगे करोगे तभी छोटा नहीं बनेगा, पीछे करोगे। इसमें से कौन छोटा बनता है? इसका मतलब
या तो हुआ दे ले ला लो या तो देख ही ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो गया ना यस यस अब बराबर कितने नस दिख रहा है इतनी बड़ी बस में पढ़ाई कर दे यस सर देखिए हां बड़ा हो गया चलो चलो एक लो इसको पकड़ लीजिए इसको मैं पढ़ लेता हूं ये तो अपनी कॉपी हां बुक हां इससे सही अब दिख रहा है अरे दिखाओ अपने लिए बड़ा देखिए जितना बड़ा ये उतना लगभग ये भी है यस यस सर देखिए उसमें क्या उसमें छह कंडीशन अनंत और टू या फोन था अनंत पर एक बार रखते थे बहुत छोटा बना उसके बाद क्या था अनंत और टू या फोन के बीच छोटा बनता था फिर क्या था कि टू या फोन पर टू या फोन पर बराबर बनता था उसके बाद टू या फोन और एक फोन के बीच इसको मतलब और आगे कर देंगे क्या बड़ा हो गया नहीं यस सर इसके बाद और आगे कर देंगे और ज्यादा बड़ा होगा हम सब पीछे करेंगे धीरे धीरे तो आपकी कम प्राइम ठीक है लेते जाओ हम समझ ला लेंगे सही है इतनी बड़ी मूर्ति उतनी बड़ी यस सर यस सर ना उसका लास्ट वाली कंडीशन ये थी कि जब इसको बहुत पास कर देंगे तो इसका दिखाई नहीं दिखाई नहीं जाएगा इसका मतलब आवाज ही बना ये छोटी कंडीशन आवाज यस सर और ए फोन और सी के बीच सी यस सबको समझ में आया यस सर लास्ट बचा है आउटर लेंस ये मैंने पढ़ाया सबको यस सर छोटा सा दिखाई दे रहा है आगे पीछे करिए हमेशा आपको छोटा ही छोटा दिखाई दे रहा है ना अगर हम कागज पे नहीं बना सकते तो वो आभासी yes, और आभासी हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है yes, इसलिए ये क्या हो गया आभासी है ठीक है तो चारों प्रकार को समझ आया yes, दोनों उत्तल दोनों अवतल लेंस और दर्पण का yes, तो समझ आ गया तो अब पूछोगे तो कोई कंफ्यूजन नो सर अब